गुड इवनिंग बच्चों, नमस्कार। आप सभी का बहुत स्वागत है आपके चैनल यूनिक ओ लेवल वाला पर। और ये यूनिक ग्रुप का ही बच्चों चैनल है, आप जानते हैं। और आज इस चैनल पर हम लोग प्रैक्टिकल के पेपर, ओ लेवल की परीक्षाएं 8 तारीख से स्टार्ट हैं। आप सभी को मालूम है 8 तारीख से आपका शुरू हो जाएगा। क्या शुरू हो जाएगा? प्रैक्टिकल एग्जाम। तो देखिए, सबसे पहले बच्चों आपको प्रैक्टिकल एग्जाम का मोड में बता दूं, ऑनलाइन मोड में परीक्षा होगी, आप सब जानते हैं। यद्यपि मैंने आपके लिए ये पेपर ओपन कर रखा है, लेकिन आपको आपको जरा सा बेसिक आइडिया दे दूं कि आपकी परीक्षाएं कैसे होंगी। तो देखिए बच्चों, जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम है, ओ लेवल का, पहले तो ये जान लीजिए 1 आवर्स में ये हो जाएगा। 1 घंटे में बच्चों ये होगा, ये आप जानते हैं। फिर इसके बाद ये किस मॉडल पे होगा? सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टर्मिनल, जिसमें कि वेबसाइट के माध्यम से नाइलेट आपको प्रश्न देगा, वेबसाइट के माध्यम से आप उसको सॉल्व करेंगे उन्हीं के सॉफ्टवेयर पर, और बच्चों वो आप अपलोड करेंगे और वो नाइलेट के सर्वर पर जाकर रिस्पॉन्स क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। तो कहने का मंत्र ये है कि आपको ये परीक्षा कॉपी पेन से नहीं देनी है, तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की जरूरत है, थोड़ा सा बच्चों आपको होशियार रहने की जरूरत है। और कुछ बातों का अगर आप ध्यान देंगे, मेरी कुछ बातों को गांठ बांध लीजिए, कुछ बातों का ध्यान दोगे तो निश्चित तौर पर बच्चों आपको सफलता मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। पहले तो ये जान लो कि जो एग्जाम होगा वो 1 घंटे का होगा, आपको मालूम है। इसमें बच्चों आपको 2 क्वेश्चंस रहेंगे, 3 क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चंस रहेगा जिसमें से आपको any 2, मान लीजिए आपने question number 1 किया, आपने question number 2 किया, और आपका बच्चों वाइवा होगा, ये आप जानते हैं। question number 1 अगर आपने किया, ये 40 मार्क्स का होगा। question number 2 ये आपका 40 मार्क्स का होगा। वाइवा आपका, वाइवा बच्चों आपका 10 मिनट का होगा। कितने देर का वाइवा होता है? जवाब दीजिए, ओनली 10 मिनट्स का, और वो भी साथ साथ हो जाएगा, यानी 40 प्लस 40 प्लस। वाइवा 10 मिनट का है, 10 नंबर का एक्चुअली, 40 प्लस 40 80, और 20 नंबर, मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर गया, आपके वाइवा के रहेंगे। और याद रखना बच्चों, चाहे वो पाइथन का पेपर हो, चाहे आईओटी का, चाहे वेब का, चाहे आईटी का, क्वेश्चंस याद रखिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन का जो टाइम रहेगा ओनली 25 मिनट्स का होगा। आपको इसको बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि जो टाइम है बच्चों मात्र 25 मिनट का है, समय बहुत कम है, और आपको बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड पेपर नहीं देगा नाइलिट। हां, इतना देगा कि आप 25 मिनट में बच्चों उसको डन कर सके, अटेम्प्ट कर सके, सॉल्व कर सके। तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, अगर आपने पढ़ाई की है, आपकी तैयारी है, तो बस उसी को रिवाइज कर लीजिए। बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आपके प्रोग्रामिंग के। पाइथन की मैं बात करूं, क्योंकि मैं पाइथन का ही तैयारी करवा रहा हूं, आपको मालूम है पाइथन का कोड है M3R5। तो बच्चों बहुत बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने वाले हैं, मैं कुछ क्वेश्चन के नाम लिख रहा हूं, आप उनकी तैयारी जरूर करिए। साथ में मैं पाइथन का पेपर लेके आया हूं, उसका भी कुछ आपको पेपर आपको सेंड भी कर दूंगा, और सॉल्यूशन ये सब आप तक पहुंच जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल बच्चों, आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखना है, और अगर आपने ज्वाइन कर लिया है तो निश्चित तौर पे आप तक बच्चों ये सब कुछ हम भेज देंगे। तो चलिए आइए समझने की कोशिश करते हैं
कि पेपर कैसा आएगा। अब मैं आपको बिना बात को खींचे सीधे मैं लेके चल रहा हूं पाइथन के पेपर के पास। देखिए बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन, ये देखिए लिखा है प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम। उम्मीद करता हूं आपको स्क्रीन पर, बच्चों ये जूम किया हुआ है मैंने, आप लोग को नजर आ रहा होगा ये पेपर, प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन। ये ओल्ड पेपर है, हमारे पास ये पेपर उपलब्ध था तो बच्चों मैंने कहा कि आपके लिए मैं लेकर आता हूं। ये पेपर अगर आप देखेंगे इसमें 3 क्वेश्चन बच्चों दिए हैं। क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है? अगर दिखाई दे रहा है तो एवरीथिंग ओके, कमेंट में आप लिख सकते हैं। 3 प्रश्न बच्चों दिए हैं, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर कौन सा 3। 3 डिफरेंट क्वेश्चंस आर अवेलेबल इन दिस पेपर। 3 में से कोई 2 आपको बच्चों करने हैं, 3 में से कोई 2 आपको करने हैं। ठीक है बच्चों, आपको 3 में से कितने करने हैं? केवल 2 क्वेश्चन ही आपको बच्चों डन करने हैं। देखिएगा ध्यान से, इसको समझने की कोशिश करिएगा। मैं एक एक करके क्वेश्चन आपके सामने पढ़ता हूं, पहले क्वेश्चन को समझाऊंगा और उसके बाद उसके सॉल्यूशन की ओर बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं, वो क्या है कि राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू इनपुट। ध्यान देना बच्चों, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू इनपुट, क्या इनपुट करना है? डे। डे माने दिन, दिन क्या हो सकता है? मंडे टू संडे हो सकता है। एंड टाइम, टाइम मतलब समय, एचएच फॉर्मेट विथ एएम ऑब्लिक पीएम, यानी जो टाइम है बच्चों वो आपको आवर्स के फॉर्मेट में देना, आवर्स माने घंटे के फॉर्मेट में, और एएम पीएम का मतलब सुबह या शाम। 3 चीजें देनी है, हफ्ते का दिन, घंटा और एएम या पीएम। और इसके बाद बच्चों इन्होंने लॉजिक क्या दिया है कि द कंप्यूटर लैब इज इन योर इंस्टीट्यूट, द कंप्यूटर लैब इन योर इंस्टीट्यूट इज ओपन ओनली ऑन वेडनेसडे फ्रॉम 12 से 1 पीएम। बड़ी मजेदार शर्त है भैया, कंप्यूटर जो खुलता है तुम्हारे संस्थान में, एक एग्जाम्पल है, कब खुलता है? केवल बुधवार को 12 से 1 बजे, वो भी दोपहर में, और फ्राइडे को खुलता है 10 से 11 के बीच एएम। यानी यूजर जो टाइम देगा, अगर वो टाइम इस इन दोनों टाइम से मैच करे तब तो प्रिंट करना है कंप्यूटर लैब इज ओपन, अन्यथा क्या प्रिंट करना है बच्चों? कंप्यूटर लैब इज क्लोज। बड़ी मजेदार सी सिचुएशन है, आपको उम्मीद करता हूं बात मेरी समझ में आ रही होगी। तो चलिए सब लोग तैयार हो जाइए, अब इसका सॉल्यूशन आपके लिए मैं लेकर आया हूं, आप लोग ध्यान देंगे तो तुरंत समझ में आएगा। देखिए ध्यान से बच्चों देखिएगा, अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके सामने है, मैंने बना रखा है आपके लिए, समझाने वाला प्रोसेस आपको मैं करने चल रहा हूं और उम्मीद करता हूं आप सारे लोग इसको देखेंगे, और देखेंगे तो आपको अवश्य अवश्य बच्चों ये समझ में भी आ जाएगा। अगर आप इसको देख के समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा क्या है ये प्रोग्राम। एक फंक्शन बनाया है डेफ लैब नाम का, ये फंक्शन है, इसमें हम टाइम को भेजेंगे, इसमें हम टाइम भेजेंगे और यूजर से देखो टाइम इज इक्वल टू इनपुट इंटर टाइम ऑफ योर लैब। पहले हम यूजर से क्या कह रहे हैं कि भैया आप अपने टाइम बताओ कि आप कितने बजे, किस दिन कितने बजे एएम या पीएम तुम लैब करना चाहते हो। वो टाइम यूजर ने टाइम वेरिएबल पे दिया, लैब टाइम, ये क्या हो रहा है? फंक्शन की कॉलिंग। आप जानते हैं पाइथन में बिना फंक्शन को कॉल किए बगैर, बच्चों पाइथन में फंक्शन बगैर कॉल किए वर्क नहीं करते। जवाब दीजिए, सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसके बाद यहां से क्या होगा, यहां से जो टाइम यूजर ने इंटर किया
वो किस वेरिएबल पर आएगा, फंक्शन के टाइम वेरिएबल पर। और मैंने क्या किया, मैंने किया क्या है, इफ, अच्छा देखिए ये लाइन t1 बराबर टाइम डॉट स्प्लिट, पाइथन में एक फंक्शन होता है स्प्लिट, स्ट्रिंग को तोड़ता है, जितने वर्ड होते हैं उतने, जितने कहते ना स्ट्रिंग में जितने स्पेस हैं उतने वर्ड बनाता है और उनकी लिस्ट क्रिएट करता है। तो t1 एक लिस्ट बनेगी, उसमें जितने भी शब्द होंगे वो सब स्प्लिट होके आ जाएंगे। अब इसके बाद तुमको बस चेक करना है, क्या चेक करना है कि यदि इफ t1 का 0 वेडनेसडे हो और t1 का 1 12 से 1 हो और एंड से जोड़ा है t1 का 2 pm, ये दोनों कंडीशन वही वाली जो कि हमें प्रोग्राम में दी गई है। और एलिफ, इफ एलिफ एल्स, t1 का 0 अगर ये ना हुआ इसमें जाएगा फ्राइडे हो और t1 का 1 10 से 11 हो और t1 का 2 am हो, मतलब इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू होगी तो देख लीजिए लैब इज ओपन प्रिंट होगा। लेकिन इसके अलावा अगर कुछ भी तुमने डाला, कोई भी टाइम दे दो, उस केस में क्या प्रिंट होगा, लैब इज क्लोज प्रिंट होगा। आशा करते हैं बच्चों आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। आप अगर किसी तरह की कोई डाउट्स हो तो प्लीज यू कैन आस्क मी, प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उन कमेंट्स का पूरा रिप्लाई देने के लिए स्वतंत्र हूं और आप पूछने के लिए भी स्वतंत्र हैं बच्चों। तो आइए इस प्रोग्राम को जरा रन करते हैं। वेडनेसडे 12 से 1 पीएम पे चलेगा, पहले रन कराओ। ये देखो मैंने दिया वेडनेसडे 12 से 1 पीएम, देखना, देख लीजिए बच्चों जब मैंने उनकी कंडीशन के हिसाब से इनपुट दिया वेडनेसडे 12 से 1 पीएम, तब तो आंसर क्या दिया मुझे, लैब इज ओपन। क्या आंसर आया, लैब इज ओपन। लेकिन अब मैं दोबारा प्रोग्राम को रन करता हूं और कोई अदर टाइम देता हूं, ध्यान दीजिए, अब की बार मैंने दे दिया संडे 10 से 11 एएम। आप बता सकते हैं बच्चों आंसर क्या देगा पाइथन, जाहिर सी बात है आपकी टाइम से मैच नहीं करेगा, केवल दो ही टाइम है वेडनेसडे और फ्राइडे की, तो ऐसे केस में पाइथन क्या बोलेगा, आपको क्लियर होना चाहिए, लैब इज क्लोज का ऑप्शन आएगा। देख लीजिए स्क्रीन पर लैब इज क्लोज, कितना आसान, कितना इजी पेपर है बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में निश्चित तौर पर आ रहा होगा। अगर आपके मन में किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, कोई आशंका है, कोई प्रश्न हो, कोई दिक्कत हो, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, किसी भी तरह की दिक्कत का जवाब हम लोग अवश्य देंगे। हम आप, ये पहली बार नहीं है कि हम आपके लिए क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं या सॉल्यूशन लेके आए हैं, ये निरंतर हम लोग करते हैं बच्चों। इसके बाद आपको मैराथन क्लासेस भी मिलने वाली है इसी चैनल पे, तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। चलिए थैंक यू वेरी मच यूनिक ब्लॉगर जी, आपने जवाब दिया, थैंक यू। उम्मीद करता हूं कि आपसे और विद्यार्थियों को समझ में अवश्य आ रहा होगा। तो पहले क्वेश्चन के बाद नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आपको ले चलता हूं। देखिए अगले प्रश्न को समझा जाए कि पाइथन में क्या कह रहा है, तो पेपर पे चलिए सबसे पहले। तो देखो बड़ा मजेदार क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसमें कई सारे क्वेश्चन को इन्होंने मिला के इस क्वेश्चन को बनाया है, देखिएगा ध्यान से। मल्टीपल क्वेश्चंस को कंटेन करके एक सिंगल क्वेश्चन बनाया है। आपको मैं एक चीज और बता दूं कि चूंकि अब समय कम है भैया, अब समय कम है, इतने ज्यादा क्वेश्चन एक साथ, चंदन मौर्य जी नमस्कार, बहुत स्वागत है, एक साथ इतना क्वेश्चन शायद ना आए, लेकिन बच्चों इनमें से एक दो या केवल कोई एक मिल सकता है। ये डिक्शनरी का क्वेश्चन है, आप लोग को मालूम होगा पाइथन में डिक्शनरी क्या होती है, ये की और वैल्यू का बच्चों पेयर होता है। What is dictionary? Dictionary is the key
पेयर ऑफ की एंड वैल्यू। क्या क्या रहा है कि एक ऐसी डिक्शनरी बनाइए जिसमें स्टूडेंट का नाम की हो और स्टूडेंट का मार्क्स क्या हो, वैल्यू हो। चलिए, थैंक यू चंदन मौर्य जी, आपके इतने सुंदर कमेंट के लिए धन्यवाद, स्वागत। बस आप सारे बच्चों का प्यार है, हम लोग मेहनत करते हैं इतना जानता हूं। ध्यान दीजिए, इस समय बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे मैं हूं। मैं कह रहा हूं स्टूडेंट्स की, बच्चों स्टूडेंट्स की, जी बिल्कुल, मुझे भी विश्वास है कि मेरे सारे विद्यार्थियों का अच्छे नंबरों से क्लियर होगा टेस्ट पेपर, और ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है। थोड़ा सा मैं अभी पहले एक्सप्लेन कर दूं। जी प्रैक्टिकल शुरू हो गया है राम प्यारे जी, 8 जुलाई से प्रैक्टिकल की परीक्षाएं स्टार्ट है, तो आप सबसे निवेदन है कि जुलिए, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए ताकि और विद्यार्थियों को पता चले। बहुत सारे विद्यार्थियों जिनके मन में पैनिक है प्रैक्टिकल का, बहुत भरपूर पैनिक है, तो उस पैनिक को का समाधान कीजिए, और उम्मीद करता हूं कि आपको फायदा अवश्य मिले। हमारा प्रयास है, हमारा यही आप सबसे निवेदन है कि जुड़िए हमारे साथ। कोई बात नहीं, थोड़ा लेट हो गए तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरे क्वेश्चन से देखिए, बाकी आप रिकॉर्डेड क्लास देख लीजिएगा। बच्चों समझिएगा क्या ऑपरेशन कह रहा है। कह रहा है पहला, कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल वैल्यू, यानी जितने मार्क्स हैं सबको जोड़ डालो। क्वेश्चन नंबर वन, डिस्प्ले ऑल द वैल्यूज जहां पर स्टूडेंट का मार्क्स 50 से ज्यादा हो, यानी उन लोगों के मार्क्स प्रिंट करो जिनकी जिनका मार्क्स 50 से ज्यादा हो, ऑल द वैल्यू। तीसरा क्वेश्चन, डिस्प्ले ऑल द कीज जहां पर स्टूडेंट का नाम कहां से शुरू होता हो, ए से शुरू होता हो। चौथा, क्रिएट ए फंक्शन, देखिएगा टू डिस्प्ले मार्क्स, कब, जब डिक्शनरी की वैल्यू दी गई हो। और पांचवा देख लीजिए, बड़ा प्रोग्राम है, इतना बड़ा आपके आएगा नहीं। अब क्रिएट ए फंक्शन दैट आस्क फॉर स्टूडेंट नेम टू रिमूव, अगर स्टूडेंट नेम डिक्शनरी में एग्जिस्ट करे तब तो क्या करे, इसको रिमूव कर दे, अदरवाइज मैसेज दे दे स्टूडेंट डज नॉट एग्जिस्ट। अब मैं आपको इसका सोल्यूशन वन बाई वन बच्चों करके चलिए दिखाता हूं, और आशा करता हूं कि आपको समझ में अवश्य आएगा। तो आ जाओ इसका सॉल्यूशन भी दिखा दें, थोड़ा इसका सॉल्यूशन बड़ा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, एक एक करके सारे सॉल्यूशन आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं, सारे सॉल्यूशन आपके सामने प्रस्तुत होगा। यहां देखिए, सर्वप्रथम मैंने क्या किया है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैंने एक डिक्शनरी बनाई है, एसटीयू बराबर राम 55, राम की है 55 वैल्यू, नेम नेम मार्क्स राम 85, मोहन 42, सीता 47, विनोद 63। थैंक यू चंदन जी, प्लीज आपका, आप लोग इतना अच्छा बोल रहे हैं मुझे बहुत खुशी है। बट अभी समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव पे बच्चों क्लास है, एक डिक्शनरी ये बनी है, आंसर नंबर दूसरे का पहला, दूसरे का दूसरा प्रश्न क्या था जिसमें कहा था बच्चों, जिसमें आपसे उसने बोला था कि सम ऑफ ऑल द वैल्यूज कैसे निकलेगा। यस एक वेरिएबल है जिसका मान जीरो है, फॉर आई इन, ध्यान दीजिए, फॉर आई इन एसटीयू डॉट वैल्यूज यस बराबर यस प्लस आई प्रिंट सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ डिक्शनरी। अब मैं इसको आपको क्या करता हूं, अलग से रन करा के दिखाऊंगा, तभी आपको यह समझ में आएगा। देखिए, देखना बच्चों, ध्यान दीजिए इसको, क्या कह रहे हैं, डिक्शनरी ऑपरेशंस, डिक्शनरी है एक वेरिएबल यस जिसका मान जीरो है, फॉर आई इन यस टू डॉट वैल्यूज,
तो बच्चों क्या होगा, एक आई का लूप चल रहा है जो डिक्शनरी की वैल्यूज को एक्सेस कर रहा है और आई पे ला रहा है। यस पर हम क्या कर रहे हैं, आई को जोड़ के रख दे रहे हैं, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज इन द डिक्शनरी। देखिए प्रिंट हो जाएगा तुरंत। देखो बच्चों, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ द डिक्शनरी इज इक्वल टू 292। तो इसने क्या किया, आपकी डिक्शनरी के सारे एलिमेंट्स को बच्चों जोड़ दिया। क्या कर दिया, जोड़ दिया। ये आपके दूसरे का पहला आंसर। कितना आसान है, देखिए डिक्शनरी बना लो, एक वेरिएबल ले लो जिसमें कंटेन करना है फॉर आई इन एसटीयू डॉट वैल्यूज। ये जो लूप है वैल्यूज पाइथन का डिक्शनरी का मेथड है जो कि डिक्शनरी के एक एक एलिमेंट की एक एक की वैल्यू को किस वेरिएबल पर लाएगा, आई पर लाएगा। और यस बराबर यस प्लस आई, आप आई को जोड़कर स्टोर करके बच्चों रख लेंगे। पहला प्रोग्राम आपका बन गया। अब आइए अगला क्वेश्चन क्या था, देखिए दूसरा क्या है, दूसरा क्या कह रहा है, फॉर आई इन, ये कह रहा है कि उन्हीं लोगों के रिकॉर्ड को डिस्प्ले करिए, उन्हीं लोगों के रिकॉर्ड को डिक्शनरी से हटाइए दिखाइए जिनका जिनका क्या है वैल्यू, जिनकी वैल्यू 50 से ज्यादा है। तो ये कैसे करेंगे, इसके लिए देखिए मैं तुरंत आपको दिखा रहा हूं। देखिएगा ये क्या होगा, इस एग्जाम्पल को ध्यान दीजिए। यहां पर मैंने क्या किया है, डिक्शनरी ऑपरेशंस में आपका डिक्शनरी है, आंसर दूसरे का पहला था, ये दूसरे का दूसरा है, सेकंड का दूसरा आंसर। इसमें क्या कर रहे हैं बच्चों, फॉर आई इन एसटीयू डॉट वैल्यूज, अगर आई बड़ा या बराबर हो किससे, 50 से, कंडीशन दे दी वैल्यू एसटीयू की सारी वैल्यूज आई पर आएंगी और उस वो जो वैल्यू है वो बड़ा या बराबर हो किससे, 50 से, तो क्या होगा, हम प्रिंट करेंगे किसको, आई को। तो जरा इसको रन कीजिएगा, इस प्रोग्राम को रन कीजिए, यह सिर्फ किन वैल्यूज को शो करेगा, देख लीजिए ये सिर्फ उन वैल्यूज को डिक्शनरी की शो कर रहा है जो 50 या उससे क्या है ज्यादा है, आपकी स्क्रीन पर बच्चों सामने आपको नजर आ रहा होगा। जवाब दीजिए, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बिल्कुल आपको नजर आ रहा होगा। तो इस तरह से आप देखिए एक एक करके ऐसे क्वेश्चंस तुम्हारे यहां पूछे जाएंगे, एक डिक्शनरी दे देगा उसमें वैल्यू डाल देगा उसमें की दे देगा। कभी कभी एक क्वेश्चन आता है कि डिक्शनरी की की और वैल्यू के हिसाब से सॉर्टिंग कीजिए, हाउ टू सॉर्ट द की एंड वैल्यू ऑफ द डिक्शनरी। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको मैनेज करना आना पड़ेगा बच्चों, प्रैक्टिकल में तुम्हारे को बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं आएंगे, 25-20 मिनट में आप बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। हाँ इतना जरूर आएगा बच्चों, इतना जरूर आएगा कि आपसे वो चेक कराएगा कि तुमने इसके पहले कभी प्रैक्टिकल किया भी है या तुमने कुछ नहीं किया है। तो प्रैक्टिकल अगर आपने सही से किया होगा तो आपको कभी किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। और हमारा यही प्रयास है इन क्लास को लेने का, इस क्लास को बताने का, कि आप लोगों को एक आइडिया लग जाए, एक बेसिक आइडिया होना बहुत जरूरी है बच्चों। क्यों, क्योंकि आने वाले समय में आपका 4-6 ही दिन बचे हैं एग्जाम को। अब देखिए अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, प्रश्न क्या था, पहले प्रश्न देखिए, प्रश्न था आपका यह है कि डिस्प्ले ऑल द कीज वेयर स्टूडेंट नेम बिगिंस विथ। आशुतोष जी नमस्कार, बहुत स्वागत है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिए। वो कह रहा है कि डिस्प्ले ऑल द कीज वेयर स्टूडेंट नेम बिगिंस विथ लेटर ए और एस। उन सभी लोगों का
आपको करना क्या है, की डिस्प्ले करना है, जिनकी जिनके नाम की शुरुआत ए से या यस से होती हो। तो ये कैसे होगा, इसका भी सॉल्यूशन अब आपको देखना है बच्चों। एक एक करके देखिए, मैं आपको तुरंत दिखाता हूं। देखो इसका एग्जांपल, यहां पर क्या किया है, आंसर नंबर दूसरे का तीसरा, आंसर नंबर सेकंड का थर्ड क्वेश्चन में क्या कर रहा हूं बच्चों मैं, फॉर आई इन एसट्यू डॉट कीज। तुम्हारी डिक्शनरी बच्चों पहले से बनी हुई है, पहले से बनी है। हम क्या कह रहे हैं, कीज आ रही है आई पर, अगर आई का जीरो ए और आई का जीरो ए या आई का जीरो यस हो, मतलब नाम की शुरुआत। आजाद जी गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है क्लास में आपका। प्रैक्टिकल की तैयारी अच्छे से कीजिए ताकि पेपर आप लोग का निकल जाए। इसी के साथ बच्चों देखो, आई पर एक एक की आएगा, हम चेक कर लेंगे की शुरुआत ए अथवा की शुरुआत यस से है, और ऑपरेटर क्या करता है, कोई भी एक कंडीशन ट्रू होती है तो काम करता है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या रिटर्न करेगा वो, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो प्रिंट कर देगा किसको, कीज को। अब मैं इस प्रोग्राम को भी आपको दिखाता हूं बना के, दो मिनट का टाइम लगेगा। जी बिल्कुल पास हो जाएंगे सर आप लोग, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, बस थोड़ी सी मेहनत करिएगा आप लोग, क्यों नहीं पास हो जाएंगे, इसीलिए तो हम लोग क्लास ले रहे हैं ताकि आप जैसे विद्यार्थी पास हो जाएं। ये देखो बच्चों, पहले ये देख लो क्या किया मैंने, उसी प्रोग्राम में मैंने थोड़ा सा स्लाइट मॉडिफिकेशन किया, और इस डायरेक्टरी तुम्हारी बनी है जिसमें नाम की है वैल्यू और एज या कह लो मार्क्स उसकी वैल्यू है। फॉर आई इन एसट्यू डॉट कीज, एक एक की आई पर आई, अगर आई का जीरो ए या आई का जीरो यस है तो प्रिंट कर देंगे किसको, आई को। जरा रन करा के देखिए, क्या ये देख लीजिए, उसने बच्चों अजय और सीता, गोविंदा जी डरने से डर के आगे जीत है, मेहनत कर लीजिए, क्लास कर लीजिए, अभी कम से कम 8 से 10 दिन हम पब्लिक क्लास लेंगे, आप लोग उसको कर लीजिए, और बाकी भी क्लासेस चल रही हैं आपको मालूम है, आईओटी वेब पाइथन और आईटी, चार के चारों पेपर आज ही से शुरू हुए हैं, तो आप बिल्कुल देर मत कीजिए बच्चों, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देख लो ये आपका केवल उन लोगों के नाम डिस्प्ले किया जिनका नाम यस से या ए से शुरू होता है, तो इससे क्या सिद्ध होता है कि भैया आपका प्रोग्राम एकदम सही था। दो दो लाइन का कोड बच्चों, दो दो लाइन का कोड है, और आपको ये 40-40 नंबर तक भी दिलवा सकता है। तो ये है कुछ खास प्रोग्राम्स। अब मैं आपको लास्ट क्वेश्चन की ओर पेपर के ले चलता हूं, फटाफट देख लीजिए, मैं आपका अमूल्य समय ज्यादा नहीं लेने वाला, ठीक है ना। तो आइए आपको दिखाता हूं बच्चों, आईओटी की क्लास भी चलेगी, बिल्कुल चलेगी बेटा, निश्चिंत रहिए। ये देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, ये देखो, ये क्वेश्चन आप पहले ही कर चुके हैं। राइट ए प्रोग्राम, अच्छा आप मेरे ओल्ड स्टूडेंट हैं मिस्टर वैम्पायर जी, ओके फ्रॉम निप्स, वेलकम बेटा, वेलकम वेलकम, क्लास करते रहो, जुड़े रहिए, कुछ ना कुछ जानकारियां आपको जरूर मिलेंगी। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आशा करता हूं मुझे आपको नजर आ रहा होगा, लिखा हुआ है राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द मीन वैल्यू ऑफ द डिक्शनरी।
मीन वैल्यू का मतलब क्या होता है? मीन का मतलब सबको जोड़कर डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको करने हैं। इसमें इसमें क्या है, सचिन इज बेस्ट प्लेयर इंडिया, ये आपके बच्चों की है। और पांच चार चार तीन और चार, जी बिल्कुल, ये उसकी क्या है बच्चों, वैल्यू है। तो देखिए एक तरफ तो की है, एक तरफ उसकी वैल्यू है, और आपको करना क्या है इसका मीन वैल्यू करना। मीन वैल्यू ऑफ द इज फोर, कैसे आएगा, पांच चार नौ, चार तेरह, तीन सोलह, चार बीस, बटे पांच कर देंगे तो क्या होगा, बेटा मैं डायरेक्ट कैसे बता दूं, आप खुद अपने इस मित्रों से कह सकते हैं कि क्लास ज्वाइन करें, ये तो पब्लिक क्लास है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है बेटा। मैं तो जहां मुलाकात होती है आप लोगों के साथ, कोशिश यही रहती है कि कुछ भला हो, कुछ चीजें आप पढ़ सकें, ठीक है। तो अगर आप आपको लगता है कि और बच्चों को करना चाहिए तो आप सूचित कर सकते हैं। चलो इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूं, बहुत ध्यान से बच्चों इसको समझिए जो मैं प्रोग्राम बता रहा हूं। इस प्रोग्राम को कैसे बनाएंगे, आपको डिक्शनरी बनानी है। अब आइए मैं तुरंत इसका सॉल्यूशन आपको दिखा दूं, सब लोग तैयार हो जाइएगा, रेडी है आप लोग, इस प्रोग्राम को मैं बना के दिखाता हूं। एक मिनट में आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, फाइंड द मीन वैल्यू ऑफ डिक्शनरी। चलो भाई मान लीजिए d बराबर सचिन सचिन 25, दो मिनट शांति से देखो बेटा, इज 15 बेस्ट, 45 यादव जी नमस्कार, प्लेयर ग्यारह, ऑफ 26 इंडिया 40। देख लीजिए बच्चों एक डिक्शनरी मैंने बनाई है। अब हम मीन वैल्यू को कैसे निकालेंगे, फॉर ब्लैकबोर्ड में कुछ दिख नहीं रहा है, एक्चुअली ये ऑटो फोकस ले ले रहा है बेटा, दो मिनट रुक जाओ मैं प्रोग्राम लिख के समझा देता हूं। मैं साइड हो जा रहा हूं तो डिस्प्ले लग रहा है चला जा रहा है। फॉर आई इन डी डॉट वैल्यूज, सम बराबर सम प्लस, सम में जीरो डालो पहले, प्लस आई, और एवीजी, या आपको मीन निकालना था ना, मीन बराबर सम बटे कितने एलिमेंट है, एक दो तीन चार पांच छह, सम बटे, आप ऐसे भी लिख सकते हैं लेन, क्योंकि आपको पता तो रहेगा नहीं, डी प्रिंट सीधे मैसेज मीन वैल्यू ऑफ
डिक्शनरी बराबर, ये देखिए ये देख ली, फिर से दिखाता हूं बच्चों, देखो बच्चों ध्यान से समझने की कोशिश करिए, प्रोग्राम आपके सामने है। मैंने क्या किया है, एक डिक्शनरी बनाई, सचिन 25 इज 15 बेस्ट 25 प्लेयर, 11 ऑफ 26 इंडिया 40, यानी 6 की है और 6 उसकी वैल्यू है। सम एक वेरिएबल है जिसका मान 0 है, फॉर आई इन डी डॉट वैल्यूज, तो डी से सारी वैल्यूज आई पर बच्चों आ रही है, मैं उसको जोड़कर सम में रख लिया। जब योग मुझे मिल गया तो मीन बराबर सम बटे लेन डी, लेन का मतलब डिक्शनरी की लेंथ है 6, उससे भाग हो जाएगा और आपको मीन मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको दशमलव में उत्तर ना मिले तो फ्लोर डिवीजन लगा के रन करा दीजिए, देख लीजिए मीन वैल्यू ऑफ डिक्शनरी आपको बच्चों आउटपुट पाइथन दे रहा है, कितना दे रहा है, 23 दे रहा है। तो ये है बच्चों आज के पेपर का सॉल्यूशन, मुझे पूरा भरोसा है कि आपको फायदा मिला होगा। जुड़िएगा, कल फिर मुलाकात होगी रात के 8 बजे, आज के लिए मैं आज्ञा चाहता हूं, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे इस प्रयास को अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर सकते हैं बच्चों, अन्य लोगों को भी फायदा होगा। थैंक यू, गुड नाइट, जय हिंद बच्चों, नमस्कार। चलो भाई, जितने भी विद्यार्थी हैं आप सभी का नमस्कार, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, गुड नाइट।